शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन अब आप लोगों को दिख जाएगी। राइट, दिख रही है स्क्रीन? सब लोग बोलो अपने माइक ऑन करके, क्लिक करके। स्क्रीन दिख रही है? यस सर, विजिबल है। यस सर, तो उधर के जो भी आवाज़ें आ रही है ना, देखो ऐसा वाइब्रेशन आ रही है, कैन सी योर स्मॉल वाइब्रेशन, ये माइक से भी आवाज़ आ रही है, वाइब्रेशन आ रही है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। फाइव, यस, कोई कुछ पूछना है? एनीवन? डिस्टरबेंस है आपके साइड से थोड़ी? मेरे तरफ से डिस्टरबेंस है? आप ठीक है? नहीं सर, डिस्टरबेंस है मेरे तरफ से? ये आवाज कट रही है, बताओ सर। आवाज आ रही है बैकग्राउंड से? आवाज आ रही है बैकग्राउंड तो फैन की है क्या शायद, या किसी और की? कि तो जैसे कल था वैसे ही आज है। लेट मी चेक इट माय डिवाइस सेटिंग्स, और नॉइस सप्रेशन तो हो रखा है, माइक्रोफोन उसके बाद में सब हो रखा है, नॉइस सप्रेशन मतलब हाई कर रहे। अब आवाज़ आ रही है सही से? यस सर। ऑटो में वो शायद कम रखता है तो मैंने उसको हाई कर दिया नॉइस सप्रेशन को, तो मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियर आ रही है। ओके, So let's get the party started. हमारे लिए training party हो रही है, oops की party हो रही है, right? So module 5 inheritance के अंदर बात करेंगे। Inheritance में क्या कहता है? Concept देखेंगे, एक बार revisit करते सारा चीज। Concept of inheritance, types of inheritance, single, multiple, multi-level, hierarchical, hybrid, इतने प्रकार के, पांच प्रकार के inheritance हो गए, okay? और protected members हो गए। एनीवन, कोई दिक्कत किसी को अभी तक जो स्लाइड पे दिख रहा है? प्रोटेक्ट मेंबर्स ओवरराइडिंग की बात अब आएगी, राइट? हमने अभी ऑपरेटर ओवरराइडिंग की, हमने अभी ओवरराइडिंग कांसेप्ट नहीं देखा। तो ओवरराइडिंग इज अ पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस, नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये चीज ध्यान रखना, ओवरराइडिंग तभी आएगा जब इनहेरिटेंस की बात कही जाएगी। आर वी क्लियर? यस सर। फिर हम वर्चुअल बेस क्लास के बाद भी देखेंगे, राइट? तो जैसे इनहेरिटेंस को जैसे देखेंगे, आपके दादा दादी, फिर फादर मदर, पापा मम्मी और आंटी, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर आंट हो, मतलब चाची या ताई, इस तरीके से हो गया आपका, ओके। देन पोता पड़पोता पड़पोती, इस तरीके से ग्रैंड डॉटर्स, तो ये आपके इनहेरिटेंस हो गए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, कुछ कलर कोड्स दे रखे हैं ध्यान से, अगर आप उनको क्लियर देखोगे, कलर कोड्स दे रखे हैं यहाँ पर। जैसे देखो, दो ग्रीन दे रखे हैं, दो रेड दे रखे हैं, राइट? तो द ग्रैंड मदर हैज टू ग्रीन्स एंड द ग्रैंड फादर हैज टू रेड्स, ठीक है। सो अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दो, एक बेटा और बेटी हुए, तो दोनों में बराबर बराबर आधा हिस्सा चला गया, आधा ग्रैंड फादर का, आधा ग्रैंड मदर का, राइट? उनके बेटा और बेटी दोनों में चला गया। देन इस बंदे ने ये बड़ा हुआ, शादी की इसने, तो मदर के पास भी ऐसे ही आया होगा, ग्रीन एंड रेड आया होगा। दोनों ने जब शादी की, उनके बच्चे हुए, तो ग्रैंड डॉटर दोनों रेड, राइट? ग्रैंड सन इस तरह से, और ग्रैंड डॉटर और एक और हुई, तो ऐसे दिस इज अ डिस्प्यूट हो गया। तो ये देख सकते हो, जैसे एक में मतलब इस लड़की में, इस ग्रैंड डॉटर में फादर और मदर दोनों की क्वालिटीज आएंगे, दोनों के ग्रीन आए। अब इसको ग्रीन और रेड में आप, तो आप स्ट्रेंथ या वीकनेस के तौर पर ले सकते हो, या प्लस एंड माइनस ले सकते हो, जैसे भी ले सकते हो। तो इसमें सारी खूबियां कह सकते हो आई हैं। ग्रैंडसन में सारी मतलब बराबर आया, बैलेंस्ड है ग्रैंडसन, तो उसमें बराबर आया, मतलब अच्छा ही बुराई भी दोनों आई है। ग्रैंड ऑर्डर में बुराई बुराई आई है, तो ये बदमाशी करेगी, ठीक है, मतलब ये सबसे नॉटी है और उधम मचाएगी घर में, और ये सबसे सीधी बच्ची है, ठीक है। सो बेचारा इनके बीच में, इनका भाई बीच में फंसा पड़ा, दो बहनों के बीच में, एक को संभाल ले के दूसरे को संभाल ले, राइट? तो इस तरीके से इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको देखो दिखाना चाह रहा था, क्लियर?
मेरी आवाज तो नहीं कट रही, कैमरा सही दिख रहा है, स्क्रीन सही दिख रही है? यस सर। ओके, हम इस नैरेटिव से कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं अच्छे से कि भाई जैसे ग्लास डॉक्टर हो गया, ठीक है, सॉरी ग्लास डॉक्टर, क्लास डॉक्टर हो गया, तो उसके एट्रीब्यूट्स हो गए एज, हाइट एंड वेट, ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। मेथड्स क्या हो गए डॉक्टर के? टॉक, वॉक, ईट, डायग्नोज, राइट? ओके, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, याद होगा आपको अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग। तो टॉक, वॉक, ईट एंड डायग्नोज, ऐसी क्लास फुटबॉलर, तो यही होगा। बस यहाँ पे मेथड्स में क्या फर्क हो गया मेरा, प्ले फुटबॉल। तो अगर इन दो मेथड्स के, अगर दो मेथड्स को अगर देखें, एक में डायग्नोज है, एक में प्ले फुटबॉल है, बाकी सब सेम है, राइट? बाकी सब सेम है, एट्रीब्यूट सेम है, बाकी तीनों मेथड सेम। ऐसे देखो बिजनेसमैन, अब यहाँ पे चौथा मेथड अगेन से अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी दो क्लासेस है। तो यहाँ पे तो अगर हम अलग अलग ऐसे क्लासेस बनाए, तो यहाँ पर मेरा जो तीन वेरिएबल मेरे रिपीट हो रहे हैं, तीन मेथड में रिपीट हो रहे हैं, राइट? तो मेरी मेमोरी स्पेस में ज्यादा घिर रही है। तो क्या वैसा कोई मैकेनिज्म मेरे पास है जो ये इनेबल कर सके कि हाँ भाई ये चीजें फीचर प्योर से आ जाए और एक बार यूज हो, और इनके जो अलग अलग फीचर है बस वही इस्तेमाल हो, राइट? तो ये मेथड्स हमारे टॉक, वॉक एंड ईट, कॉमन एट्रीब्यूट्स हो गए आपके, तो कुछ स्पेशल स्किल्स है जो इनको अलग बनाती है, राइट? तो अब सेम कोड आप कॉपी कर रहे हो हर एक में, तो ये कोड का रियूज तो हुआ नहीं, कोड की वेस्टेज हुई, कोड की लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ेगी तो कोई खरीदेगा नहीं, कोई नहीं खरीदेगा तो आपका बिजनेस गया। फिर आप बोलोगे क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, क्लाइंट के लिए बनाया मैंने, क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, ये करते रहोगे, राइट? इस चीज से कैसे बचे? एक हमने क्लास बना ली पर्सन नाम, राइट? तो जो हमारा कॉमन फीचर्स थे, कॉमन एट्रीब्यूट्स और कॉमन मेथड्स थे, उनको उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया। इज दैट क्लियर? यस सर। अब हम क्लास डॉक्टर को भी पास करें, ले भाई डॉक्टर तू भी तो खाता पीता, तू भी पर्सन है, डॉक्टर इज ऑल्सो पर्सन, राइट? यहाँ पर एक रिलेशनशिप आ रही है जो आपने डीबीएमएस में पढ़ी होगी, कौन बताए? जनरलाइजेशन? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर इज ऑल्सो पर्सन, तो क्या हो गया ये, अ पर्सन कैन बी अ डॉक्टर। अगर मैं ये स्टेटमेंट कहूँ, एरो नीचे जा रहा है, पर्सन से डॉक्टर में एरो जा रहा है, तो क्या होगा ये? स्पेशलाइजेशन। ग्रेट ग्रेट, स्पेशलाइजेशन हो गया। और अगर हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन हो गया, राइट? और अगर अपन उल्टा जा रहे हैं, बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन, वेरी गुड वेरी गुड। सो क्लास डॉक्टर, अगेन स्पेशलाइजेशन, राइट? तो तीन स्पेशलाइजेशन हो गए, जिनका जनरलाइज फॉर्म क्या है? पर्सन। व्हाट इज कॉमन इन बिटवीन देम? दीज थ्री आर पर्संस, राइट? तो जनरलाइज भी हो गए, यू गेट इट? तो देखो कितनी चीजें जुड़ी हुई आपकी, आपका डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट देखो इससे जुड़ा हुआ है। तो नो, नथिंग इन कंप्यूटर साइंस इज आइसोलेटेड, कंप्यूटर साइंस में ऐसा कोई फील्ड नहीं है। आपके आज की टेक्नोलॉजी देखे, कोई भी आप स्टडी करें, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आइसोलेटेड हो, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज कॉल्ड वेस्ट क्लास, and these three classes are called derived class. ये तो अब चीजें आप revisit कर रहे हो, तो अब चीजें ये मतलब पक्की होती जा रही है, right? ये तक clear है? Yes sir. ऐसी हम कर सकते हैं class vehicle, vehicle car भी हो सकता है, bus भी हो सकता है, and truck भी हो सकता है, है ना? सेम चीज, इट्स सेम सिमिलर, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है एनीवन। चल
इनहेरिटेंस को डिफाइन करते हैं प्रॉपर शब्दों में, अंग्रेजी में डिफाइन करते हैं, तो अंग्रेजी क्या कहती है कि एक तरह का प्रोसेस है, मैं इस अंग्रेजी को हिंदी में तर्जुमा करके आपको बता रहा हूँ सिंपल सी भाषा में। देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कौन करता है? वो जो मतलब सुन नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, मैं किसी की एक्टिंग कर रहा हूँ, मिमिक्री कर रहा हूँ। राहुल गांधी नहीं करता, लोकसभा में भाषण देते तो ऐसे हाथ रखता है। देखिए ऐसा आप कहते हैं, देखिए ये सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, मैं ये जानता हूँ ऐसा हो रहा है ना। आउट ऑफ नोवेयर आई एम डूइंग दिस, अपने आप ही। तो इनहेरिटेंस का एक प्रोसेस है, ओके तो जो जो कि क्लास एक्वायर कर सकता है, ले सकता है, कुछ ग्रहण कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, किसकी? किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को ग्रहण कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये एक तरीका है, राइट? तो सिंपल सिंपल शब्दों में अगर समझना है तो ये तरीका है, ठीक है? क्योंकि मैंने एक चीज देखी, जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था मुझे तो समझ आ रही थी, मेरे बैच में ऐसे कई और लोग थे जिन्होंने इंग्लिश की ठीक नहीं थी, और उनको रिटन इंग्लिश के सबटेम्स जो पढ़ने होते हैं, शब्द जो वाक्य पढ़ने पे उनको दिक्कत आ रही थी या उनको समझने में दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए मैं उसको तर्जुमा करके बता रहा हूँ कि एक तरीके का प्रोसेस है, एक तरीके का ये प्रक्रिया है जिसके थ्रू एक क्लास किसी दूसरे क्लास के जो फीचर है उसका जो क्या कहते हैं उसके खूबी और खामी जो भी है, ठीक है, वो सब उसकी विशेषताएं जो है, हिंदी में विशेषता कहेंगे एट्रीब्यूट्स को, प्रॉपर्टीज को, उसकी विशेषताओं को ग्रहण कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और इस मैकेनिज्म जो होता है हमारा, जो अब नई क्लास को जब डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम ओल्ड क्लास, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की दो परिभाषाएं आपके सामने, तो जो नई क्लास है उसे हम कहते हैं डिराइव क्लास, और जो पुरानी क्लास है जिससे हमने ग्रहण किया था, जिससे ग्रहण किया वो बेस क्लास, जिसने ग्रहण किया वो डायरेक्ट क्लास। क्लियर? और डायरेक्ट क्लास में सारे फीचर हो सकते हैं बेस क्लास के, और प्रोग्रामर जो होता है आप और मेरी तरह जो कट्टो कोड में लगा रहता हर बार, ठीक है, तो नए फीचर्स ऐड कर सकता है डायरेक्ट क्लास में, कुछ भी कर सकता है। तो इसमें प्रोग्रामर को एक फायदा मिल गया, वो अपने अलग उसका कोड रियूज करने में उसको काम आ गया, उसको पता लग गया उसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड हो गया प्रॉपर तरीके से, अगर कोई एरर आती है तो उसको पता लग जाएगा कि एरर कहाँ पर आ रहा है, राइट? तो डीबगिंग में भी बहुत आसान होता है सबसे, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं, तो स्टेट में सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट नहीं मिलती है। आप लोग पहले टेस्टर बनते हैं, अगर आप कोड को डीबग कर सकते हैं, एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, टेस्टिंग करके आप एरर्स निकाल सकते हैं, एरर ठीक कर सकते हैं, देन ओनली यू कैन बिल्ड और क्रिएट अ सॉफ्टवेयर, यू कैन बिल्ड अ कोड, क्योंकि आपका जो प्रोग्रामिंग स्किल है, जो लॉजिक है, पहले हम लॉजिक को देखोगे ना कि यार ये कोड सही काम तो कर रहा है, बट इसमें कोई लॉजिक में गड़बड़ी है जिससे जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं आ रहा है। टेस्ट केसेस में क्या होता है, टेस्ट केस होता क्या है, किसी टेस्टिंग में टेस्ट केस क्या होता है कि भाई ये निर्धारित इनपुट है, ये इनपुट दिए जाएंगे और इन इनपुट के हिसाब से ये आउटपुट आना जरूरी है, अगर इसके अलावा आउटपुट में कुछ और आ रहा है इसका मतलब किसी टेस्ट केस में किसी इनपुट में गड़बड़ी है या कुछ प्रोग्राम में ही गड़बड़ी है, जो उस इनपुट का वो जो निर्धारित आउटपुट है डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं आ रहा है, राइट? अब इस तरह से देखें तो क्लास को इनहेरिट कैसे करते हैं, तो क्लास जो कि डायरेक्ट क्लास का नाम है, आगे हमने कोलन लगा दिया और हमने एक्सेस मोड दे दिया और बेस क्लास का नाम। अभी एक्सेस मोड क्या बोला है भाई, बेस क्लास हो गई, ये हो गया, अभी एक्सेस मोड वही हो गया जो आपका एक्सेस मॉडिफायर था, सेम चीज, पब्लिक प्राइवेट आर प्रोटेक्टेड। तो भाई पब्लिकली वो पर्सन को, पब्लिक क्लास को वो उसके फीचर्स ग्रैंड कर रहा है एक्सेस मोड। आई होप यू गेट इट। यस सर।
थर्ड भी हो सकता है, भी हो सकता है, तो यहाँ पे तीनों हो सकते हैं या पोटेट, तीनों चीजें आ सकती है, ओके, तीन तरीकों से कर सकते। और डिफॉल्ट अगर हमने कुछ नहीं दे रहे, खाली छोड़ दिए, तो क्या आ गया? प्राइवेट, सीधी सी बात। इसकी बात करते हैं सीधी सीधी, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके, इनहेरिटेंस, हायरार्कल, हाइब्रिड, जिसको हम वर्चुअल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, राइट। ये पांच प्रकार के इनहेरिटेंस होती है मोटे मोटे तौर पे। मैं अगर आपको इससे चलते और बताता हूँ, सी प्लस प्लस ऊप्स का मेरे भी फोर्थ सेमेस्टर में था, आई वाज इन द बीटेक, मेरे चौथे सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट था। तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि एक किताब कह रही है कि चार प्रकार के इनहेरिटेंस होती है, एक किताब कह रही है पांच प्रकार के होते हैं। जब मैं एग्जाम में ना, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कहा मैं लिखूं तो कितनी लिखूं। क्वेश्चन में सीधा ये दे रखा था, एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैं कहा ऑल टाइप्स हैं कितनी, और दोस्तों से पूछा जो पढ़ रहे थे एग्जाम सेंटर के बाहर, कोई कह रहा चार है, कोई कह रहा पांच, में कर रहे हैं तो भैया मैं जो मैं तीन ही लिख के आया गिनती, ना चार है ना पांच, मैं कहा नहीं, तीन के मैं काम खत्म करो, ज्यादा नहीं करना, राइट। तो उससे मेरे तो उस क्वेश्चन में मेरे मार्क्स कट रहे थे, मुझे बताया गया था, पता किया था, रीचेकिंग कराई थी मैंने, मुझे लगा कि नंबर कम है तो रीचेकिंग कराई मैंने, तो बड़ा चलिए अब इसमें देखते आ गए हम। लेट मी चेक कितने लोग आप लोग आ चुके हैं, लेट मी चेक द पार्टिसिपेंट्स। ओह काफी यार, 13 बच्चे हैं, कम है आज यार, बहुत कम है यार, बहुत कम है। चलिए तो सिंगल इनहेरिटेंस एक बार देख लेते हैं, ए से बी सिंगल, एक आपकी क्लास है, आपकी एक बेस क्लास और बी है डिराइव क्लास, तो सिंगल क्लास सिंगल क्लास से जा रही है, तो ठीक है। बी एग्जांपल है, दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस, ये क्लियर है? एक बार स्लाइड को ध्यान से देख लो, इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर, चलो अब तो अभी कोई वॉइस की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, मेरी नॉइस तो नहीं आ रही? जैसे कि आवाज आ रही होगी चेक पहले, ओके। तो सिंगल इनहेरिटेंस आपका प्रोग्राम हो गया, सिंगल सिंपल सा एक और एग्जांपल हो गया, तो एक डॉग इज एन एनिमल, उसके अब इंट लेग्स इक्वल टू 4, डिस्प्ले लेग्स कर दे और बूलियन टेल, टेल है कि नहीं, टू या पॉज, राइट। इस तरह से अब अगर हम एनिमल A1, डॉग D1, वन डॉट डिस्प्ले 1 एंड डिस्प्ले 2, तो इसका मतलब जो मेरा D1 है वो डिस्प्ले 1 किसका, एनिमल का जो क्लास का जो फंक्शन है वो भी एक्सेस कर पा रहा है और अपनी क्लास को भी एक्सेस कर ही रहा है, अपनी क्लास की जो फंक्शन है पब्लिक जो मेथड है उसका, उसको एक्सेस कर पा रहा है डिस्प्ले 2 को, और डिस्प्ले 1 जिससे वो डिराइव कर रहा है उसको भी कर पा रहा है, ठीक है। Yes, sir. Legs equal to 4 और tail equal to 1, ठीक है सर। यहाँ पे डॉग D1 देने की जरूरत थी, क्या देने की जरूरत थी सर? डॉग D1 क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम ना देते तो क्या होता सर? वो फिर भी शायद एसेस कर लेता, दे बिना ऑब्जेक्ट के कैसे एक्सेस करेगा? तो एनिमल A1 एनिमल के ऑब्जेक्ट से सर, नहीं एनिमल के ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले टू का आ जाएगा, डिस्प्ले मतलब इसका डिराइव क्लास का कर लेगा A1 से। तो शायद मनन ये कह रहा है कि एनिमल A1 की जरूरत नहीं थी क्योंकि डॉग D1 से भी काम हो जाता, मतलब एनिमल A1 हमने एक्स्ट्रा लिखा है। हाँ वो एक्स्ट्रा लिखा है, तो मतलब मनन तो उल्टा कह रहा है कि डॉग D1 की क्या जरूरत थी, कहना उसको चाहिए एनिमल A1 की क्या जरूरत है,
है ना, हमने A1 पे स्नान किया ही ना। यस सर, यस सर, यस सर, डॉग D1 की मतलब एनिमल A1 की जरूरत है। हाँ हाँ, ये सिर्फ इसलिए इस अकेले इस सिंगल लाइन को इसलिए अलग से दर्शा रखा है, ठीक है, क्योंकि ये बताने के लिए कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकेला D1 काफी है मेरे एनिमल क्लास का जो डिस्प्ले वन जो फंक्शन है उसको एक्सेस करेगा और खुद को तो एक्सेस कर ही सकता है, बस ये दर्शाने के लिए किया गया। बाकी ये सेपरेट हटा सकते हो, आपको देखने की जरूरत नहीं है, बट टू शो एन एग्जाम्पल, आपको उदाहरण के तौर पर दिखाने के लिए इस तरह दिखाई, राइट? सर ये आया नहीं समझ मेरे को। क्या समझ नहीं, बताओ सर। मतलब ये इनहेरिटेंस तो मतलब कैसे होगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। मतलब ऊपर से चला गया, ऊपर से चला गया, वो बात नहीं, हम किसलिए बैठे हैं, ऊपर से नीचे ले आएंगे सब चीज, डोंट वरी। तो कीबोर्ड को तो मैं साइड पर रख देता हूँ, ओके बच्चों, मैं अब कनेक्ट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको देखो शो करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, राइट? सो लेट मी गो टू माय ओपन बुक, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, और बढ़िया रहेगा कि मैं उसी प्रोग्राम को ले आता हूँ इसी के अंदर, राइट? जैसे मैं पहले नॉर्मली करता हूँ, तो विंडोज 2 किया और यहाँ पे लोड के आ कहाँ से मैंने ऐसे कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट? इसी को डिस्कस करना है ना, आवाज आ रही है ना मेरी बच्चों? यस सर। ओके, ना कुछ करते रहा करो, ठीक है ना, मुझे पता लगता नहीं है इसका बड़ा। ओके, काम करते हैं, हम रिसाइज करते हैं इसको जरा, ओपन विथ पेट और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और रिसाइज कर लेते हैं और परसेंटेज वाइज हम कर देते हैं, आधा कर देते हैं, 50% कर देते हैं, क्रॉप सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल, हाई रेजोल्यूशन इमेज थी इसलिए बड़ा चला गया। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया, राइट? अब इसको हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं अब ये हो क्या रहा है, ठीक है बच्चे? कौन पूछ रहा था सवाल, नाम बताओ बच्चे एक बार। सर पुलकित। हाँ पुलकित, चलो उसको समझते हैं अच्छे से, राइट? सो इसका फंडा सिंपल सा है, सीधा सा हिसाब। अरे भाई क्या हो जाता तो? अच्छा ये केबल में दिक्कत है। ओके, तो जैसे यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एक मेरी क्लास है, अरे ये क्लास है मेरे, राइट? एनिमल नाम, ओके, और
ये क्लास है मेरा डॉग नाम, इसमें इसके भी दो पार्ट है और इसके भी दो पार्ट है। पहले पार्ट में आपका आ गया मेंबर वेरिएबल, राइट, लेग्स जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4, क्लियर? यस। इसमें दे रखा है डिस्प्ले नाम का फंक्शन दे रखा है डिस्प्ले 1, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये डॉग वाले में क्या दे रखा है, टेल इक्वल टू ट्रू, बूलियन वेरिएबल है। मैं लिख देता हूँ आगे इसका, देखो ये मेरा इंटीजर था, ये मेरा बूलियन वेरिएबल है, ओके। और यहाँ पर फंक्शन क्या है, डिस्प्ले 2, ठीक है। दो फंक्शन है, डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2, ठीक है। अब मैंने एक स्टेटमेंट सिंपल से लिखी, यहां पर मैंने क्या लिखा, क्लास, जब इसको डिक्लेयर करो तो साथ साथ लिख दिया क्लास डॉग के, भाई साहब आप पब्लिकली इनहेरिट करो प्रॉपर्टीज किसकी, एनिमल की, मतलब एनिमल नाम के क्लास को इनहेरिट कर लो, तो एक तरह से कॉपी हो जाएगा पूरा, मतलब उसका जो भी कंटेंट है, ये डॉग का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इसको एक्सेस कर सकता है। इसको मतलब इसका अगर इस स्टेटमेंट से क्या मतलब हो गया, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसके बाद क्या फर्क पड़ गया, तो एक मेरे पास एक डब्बा एक और बड़ा सा बन गया, राइट, एक डब्बा बन गया, ये तो दो पार्ट हो गए। इस डब्बे में क्या आ गया, इस डब्बे में क्या आ गया कि मैं लेग्स को भी एक्सेस कर पा रहा हूं, लेग्स कैसा था एनिमल का, और टेल को तो एक्सेस कर ही पा रहा हूं, राइट, और वॉइड डिस्प्ले 1 और वॉइड डिस्प्ले 2, तो इसको मैं कह सकता हूं ये चीज मेरी क्या हो गई, बिफोर इनहेरिटेंस, और ये क्या हो गया, इनहेरिटेंस, और ये क्या हो गया मेरा, ये ड्यूरिंग हो गया, आफ्टर इनहेरिटेंस। क्या है बात, क्लियर हो रही है अब तुम्हें? यस सर। सिंपल, मेरा ए क्लास से बी क्लास इनहेरिटेड है, डिराइव्ड है, तो ए के जो ए कहता है मेरा सब कुछ तेरा हो गया। यस सर, बिल्कुल। जो बैटमैन मूवी थी उसमें गाना नहीं था कि मेरे पिन कोड का नंबर आज से 13 हो गया, है ना, राइट? यस सर। तो जो ए क्लास है वो बी से कह रहा है मेरे एट्रीब्यूट और मेरे फंक्शन आज 13 हो गए, तू भी इस्तेमाल कर। तो डॉग नाम का जो क्लास है वो अपना ऑब्जेक्ट बना रहा है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास एनिमल को एक्सेस कर रहा है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? यस सर। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो? नो सर। ओके, ये क्लियर हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस समझ में आ गया? यस सर। चलो, गुड गुड टू नो दैट। ओके, वापस अपने प्रेजेंटेशन में बढ़ते। अरे भाई, प्रेजेंटेशन जाना है मुझे, जाने दे भाई, राइट। तो ये बात हो गई हमारी। हाँ, नेक्स्ट आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये तो सिंगल इनहेरिटेंस था,
एक एक लेवल का सिंगल लेवल, इसको आप सिंगल इनहेरिटेंस भी कह सकते हो या सिंगल लेवल भी कह सकते हो. ठीक है, मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. अब क्या हो रहा है यहां पर देखो ध्यान से, पढ़ो इसको, रीड इट केयरफुली, इतना पोर्शन पढ़ो ध्यान से. यस सर, बात समझ आ रही है? जी सर. यस सर. कोई दिक्कत इसके अंदर? इतनी अंग्रेजी लिखी हुई, कोई दिक्कत इसके अंदर? नो डाउट सर. अच्छा इतना देख के ये बताओ, मैं अभी आगे नहीं बढ़ रहा, मुझे बस ये देख के बताओ, क्या मेरी जो सी क्लास है, क्लास सी जो है, वो क्लास ए को एक्सेस कर पाएगी, ए के एलिमेंट्स को? यस सर. यस सर. आप लोगों ने डीबीएमएस के अंदर पढ़ा होगा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. यस. रिलेशंस जो पढ़े होगे आपने, डीएसटीएल पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, तो उसमें भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशनशिप आई थी, ए इज रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, एंड सी इज रिलेटेड टू ए. तो अब मुझे बताओ ये तीनों सब्जेक्ट कनेक्ट हो गए ना? यस सर, बिल्कुल सर. ये खूबसूरती कंप्यूटर साइंस की. ओके, तो एग्जांपल देख लें इसका, ये छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, आप देखो. ये आईटी स्टूडेंट लिखा है, मैं इसको सीएससी कर देता हूँ, चलो बात एक ही है. जो स्टूडेंट क्लास है वो किसे किसको कर रहा है? पर्सन को से डिराइव्ड है. और आईटी स्टूडेंट नाम के क्लास किसे डिराइव्ड है? स्टूडेंट क्लास. स्टूडेंट क्लास, राइट? आ रहे समझ में एरोस? यस सर. वो दिक्कत एनीवेयर? नो सर. बहुत अच्छी बात है. सो आप मुझे बताओ, ये यहाँ पे मेरा कौन किसका किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा जो तीनों डिस्प्ले वन, डिस्प्ले टू, डिस्प्ले थ्री फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है? सर डिस्प्ले थ्री का. सर आईटी स्टूडेंट वाली क्लास का. तो अगर मैं मेन में पर्सन पी, स्टूडेंट एस और आईटी स्टूडेंट आई करूं, तो P1 क्या एक्सेस कर पा रहा है? पर्सन क्लास. एस क्या कर पा रहा है? यस सर. स्टूडेंट क्लास. क्या डिस्प्ले वन को कनेक्ट कर पाएगा? यस सर. यस सर. यस कर लेगा. आई कर लेगा डिस्प्ले थ्री को, तो आप खुद को तो कर ही रहा है. क्या वो डिस्प्ले टू को कर पा रहा है? यस सर. यस सर कर लेगा आराम से. डिस्प्ले वन को कर पाएगा? यस सर कर लेगा. आई तो सबको कर लेगा. बस ये हो गया आपके मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. अगर इस प्रोग्राम को अभी ट्राई करना है तो कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया सर. ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक? बड़े आगे. यस सर. अब आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये हर बार आता था. पेट क्वेश्चन है, जब भी हूप्स पढ़ाया जाएगा ये क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी, हर इंजीनियरिंग के छात्र ने पढ़ा है और समझा है, समझा हो के नहीं हो, बट
एनकाउंटर किया है ए और बी। अब ये देखो यहां पर ये सबसे बड़ा फर्क है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां क्लास सी के अंदर क्लास ए की खूबी जो भी है फीचर्स है ठीक है वो भी आ रहे हैं और क्लास ए के भी आ रहे हैं, ए और बी दोनों के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स सी एक्सेस कर पाएगा ठीक है। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी तक कोई दिक्कत? ये डायग्राम और दो जो लाइनें लिखी हुई हैं इनमें कोई दिक्कत? नहीं सर। तो ए और बी कहेंगे हम दो हमारा एक ठीक है ओके। क्लास लिक्विड क्लास फ्यूल ठीक है क्लास पेट्रोल, तो यहां पे देखो कॉमा से सेपरेटेड है, देखो ध्यान से क्योंकि पेट्रोल में क्वालिटीज लिक्विड की भी है और पेट्रोल फ्यूल भी है, दोनों है, तो दोनों की क्वालिटीज या दोनों की जो फीचर्स हैं वो इसमें भी आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। तो ये देखो दोनों का एरो करके दिखा दिया। यस सर। गुड। चलो अब एग्जांपल को अच्छे से देख लेते हैं। सेम एग्जांपल है ना? तो लिक्विड एल फ्यूल एफ एंड पेट्रोल पी। तो एल एक्सेस कर सकता है डिस्प्ले वन को, एफ एक्सेस कर सकता है डिस्प्ले टू को। अब देखने वाली बात है कि अब पी मेरा दोनों डिस्प्ले वन डिस्प्ले टू डिस्प्ले थ्री किसी को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, करेगा या नहीं करेगा? कर लेगा बिल्कुल। डिस्प्ले वन किया तो लिक्विड क्लास दिखा दिया, एफ से किया ये भी बिल्कुल सही है, पी से किया डिस्प्ले थ्री वो भी हो गया, आप देखें डिस्प्ले टू एंड डिस्प्ले वन ठीक है। अगर आप पिछला एग्जांपल देखें आई जो था उसके अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर, तो मेन फंक्शन में भी कुछ इस तरीके से ही हो रहा है जो स्टेटमेंट है मेरे मेन फंक्शन की सेम है, आउटपुट भी सिमिलर है, मतलब मेरा जो मतलब है प्रोग्राम का वो ऑलमोस्ट सेम है, जैसे मैं दिखाना चाहता हूं दिखा सकता हूं। मुद्दा क्या है कि मेरा आखिरी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है मेरे बाकी दो क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते, ये दोनों में हो रहा है। कॉमन क्या है दोनों में? तीसरी क्लास पहले दोनों क्लासेस के टीचर्स को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो मल्टी लेवल हो चाहे वो मल्टीपल हो। हम डिफरेंसेस की बात करते हैं दोनों में, लेकिन सिमिलैरिटी क्या हुई? यही सिमिलैरिटी हुई। यस सर बिल्कुल ठीक है। और इसी सिमिलैरिटी की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा मल्टी लेवल है और कौन सा मल्टीपल है, क्योंकि प्रोग्राम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, बस फर्क क्या है? वे टू स्पॉट द डिफरेंस थर्ड क्लास के अंदर। यस सर राइट। देख लो इस बार, इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास। यस सर ले लिया सर। हाँ जी सर। तो इस प्रोग्राम को मल्टी लेवल के लिए यूज नहीं कर सकते तो ये मल्टी लेवल हुआ ही नहीं ना बच्चे,
सर तो ये वैसे ही तो हो रहा है लिक्विड और फ्यूल और पेट्रोल उसके बाद. वो तो मैं वही तो बता रहा हूँ फर्क क्या है यहाँ पर. मल्टी लेवल में एक से ज्यादा लेवल है. इसको आप ऐसे समझो कि मंजिल मकान की मंजिल है. फर्स्ट टॉप फ्लोर्स फर्स्ट टॉप सपोज का थर्ड सेकेंड फर्स्ट जीरो ऐसे है मल्टी लेवल के अंदर. मल्टीपल में एक ही तो लेवल आ रहा है नीचे. हाँ सर समझे. मैं यही तो कह रहा हूँ बात को कि दोनों में ये बराबर बात कह रहे हैं कि दोनों का मेन फंक्शन मेरा सेम है बट फर्क कहाँ पे आ रहा है तीसरी क्लास में. तो पेट्रोल जो है वो मेरा लिक्विड को भी ले रहा है और फ्यूल को भी ले रहा है. अभी तुमने पिछले प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है. Yes, उसको sir. देखो और इसको देखो कंपेयर करो मेन फंक्शन. समझ गए सर. समझ गए. अरे भाई अभी आई एम नॉट अवेलेबल. क्लियर. कितनी बात समझ में आ गई. यस सर. बड़े आगे. यस सर. यस. अब आती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस. क्लास ए बी सी और डी फर्क हो गया. दो से ज्यादा. यस यस सर. हाँ समझ गया. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. अगर एक या एक से ज्यादा क्लासेस अगर डिराइव हो रही हैं किसी सिंगल क्लास से तो उसे हम क्या कहते हैं. हायरार्किकल इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे बी सी और डी सिंगल क्लास ए से ड्राइव हो रहे. ठीक है. यस सर. क्लास एनिमल क्लास एलिफेंट हॉर्स इज ऑल्सो एन एनिमल एंड काउ इज ऑल्सो एन एनिमल. आई बात समझ में. यस सर. देख लो एक बार ध्यान से स्लाइड को देख लो. आगे एग्जांपल भी आएगा यही चीज है. इसी का एग्जांपल आगे कंटेंट बढ़ने के देखेगा हर क्लास का. सर इसमें बस एक बेस क्लास है और डिराइव क्लास कितनी भी हो सकती है. हाँ हाँ. तो आप ना एक काम कर सकते हो. इनहेरिटेंस पांच प्रकार की है. ठीक है. उनके उन इनहेरिटेंस के टाइप किस आधार पे अलग है कितनी बेस क्लास है कितनी डिराइव क्लास है ये भी हो सकता है क्या. इन इस बात से मैं फर्क बता सकता हूँ हर इनहेरिटेंस के टाइप में अब तक जो पढ़ा. यस सर. नंबर ऑफ बेस क्लास एंड नंबर ऑफ डिराइव क्लास. ठीक है. समझ में आ गया. और दिक्कत. नहीं सर. चलो गुड. तो अब इसको देख लेते प्रोग्राम को. हाँ जी पूछो. सर मैं लीव कर रहा हूँ मेरी क्लास है. जा बेटा जा लीव कर. थैंक्स. अच्छा एनिमल जो हॉर्स है काउ और एलिफेंट ये तीनों एनिमल के क्लास के से डिराइव हो रही हैं. ठीक है. तो अब मेरा मेन फंक्शन में एनिमल ए एलिफेंट ई हॉर्स एच काउ सी चार ऑब्जेक्ट बन गए अलग अलग हर क्लास के ए ई एच और सी. ठीक है. ए से डिस्प्ले वन कॉल हो गया बल्ले बल्ले हो गई दिखा दिया. ई से दोनों कॉल हो सकते हैं डिस्प्ले टू भी हो सकता है डिस्प्ले वन भी हो सकता है. Yes, sir. ठीक है.
एच से क्या होगा? डिस्प्ले थ्री और डिस्प्ले वन. और सी से क्या होगा? डिस्प्ले फोर और डिस्प्ले वन. क्लियर? यस सर. इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लो तो याद रहेगा. ये एग्जांपल किसका होगा? सिंपल सा हायरार्किकल इनहेरिटेंस. समझ में आ रहा है? यस सर. अब तक कोई दिक्कत? नो सर. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए चारों इनहेरिटेंस के टाइप्स के? यस सर. तो पांचवा क्या बचा? हाइब्रिड. हाइब्रिड सबका मिला जुला, सबको मिक्स कर रहा है. इसको खिचड़ी, इसको खिचड़ी इनहेरिटेंस भी कह सकते हो. ये खिचड़ी बना दी इसने. इसमें सारे फीचर होंगे. देखो ये मल्टी लेवल भी है, मल्टीपल भी है ना, और हायरार्किकल भी है. है ना? यस सर. मल्टी लेवल भी है, मल्टीपल भी है और हायरार्किकल भी है. अगर पहला पार्ट देखें, बी और सी किसको डिराइव कर रहे हैं, किससे डिराइव हो रहे हैं? ए से. ये किसका एग्जांपल हो गया? हायरार्किकल का. और बी और सी से डिराइव क्या निकल रहा है? डी. ये किसका एग्जांपल हो गया? मल्टीपल. और चूंकि तीन लेवल में आ रहा है मल्टी लेवल, तो सर वो मल्टी लेवल. आप समझ में आया मल्टी लेवल और मल्टीपल में क्या फर्क हुआ? यस सर. अच्छा सर. ये सारे अंग्रेजी कह रहा है जो अभी तक मैंने आपसे कहा, ये लिखा हुआ. तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो ना अच्छे से, तो अपने आंसर खुद फ्रेम कर सकते हो. इसलिए कहता हूं बीटेक के अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी सब्जेक्ट में अगर आपको डायग्राम्स खूब पढ़ने को मिल रहे हैं ना, आप लकी हो. क्योंकि उस सब्जेक्ट में अगर डायग्राम ठीक बना के अगर आ गए आप, तो बहुत नंबर मिलते हैं, स्कोरिंग होता है पेपर. वो थ्योरी लिखने में नींद आती है, डायग्राम को एक्सप्लेन करने में बहुत आसान होता है. तो जब भी अपने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करो, जैसे आपका कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है राइट, तो नेटवर्क के अंदर तो डायग्राम ही डायग्राम है भाई. चाहे ओएसआई मॉडल लो, चाहे कुछ भी लो, कोई टीसीपी हैंड चेकिंग बतानी हो, यूडीपी में हैंड चेकिंग होती नहीं है, कुछ भी कंसेप्ट बताना हो ठीक है. आपको अगर कन्वर्ट करना हो सबनेटिंग, सबनेटिंग पता है आप लोगों को? सबनेटिंग कॉन्सेप्ट, सबनेट बनाना क्या होता है पता है? आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हो अपने सब्जेक्ट्स में, पता है सबनेटिंग क्या है? कौन बताएगा? दो कॉन्सेप्ट आते हैं नेटवर्क्स के, तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं, लिख लो अभी, सबनेटिंग और सुपरनेटिंग. मेरा बड़ा नेटवर्क है राइट, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, महकमा है पूरा बड़ा. उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बट एक ही नेटवर्क में सबको शेयर नहीं कर सकता. मतलब सर्वर से मैं एक चीज सबको शेयर नहीं कर सकता, सभी को सबको एक्सेस नहीं दे सकता, मुझे अलग अलग करना पड़ेगा राइट. तो उस बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में पार्ट करने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सबनेट बनाने को. और सबनेट्स को जोड़कर बड़ा नेटवर्क बनाने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? सुपरनेट राइट. तो ये ध्यान रखना. ओके ये क्लियर होगी बात. तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस के अंदर. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग हो, नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस, इन इंजीनियरिंग चाहे कोई ब्रांच हो, कोई सब्जेक्ट हो, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर डायग्राम याद है तो सब कुछ याद है ठीक है.
यस सर यस मैंने हमेशा अब तक जब मैंने बीटेक पढ़ी तो मैंने सिर्फ डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट किया है. मैं नोट्स बनाता था तो सिर्फ डायग्राम पहले बनाता था और डायग्राम के ऊपर प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मुझे पता था अगर मुझे डायग्राम या कोई फ्लो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, कुछ भी है, ये ब्लॉक डायग्राम है, अगर मुझे वो आ गया करना तो भर भर के आ जाऊंगा पेपर पे, आंसर शीट पे भर के आ जाऊंगा उसको. मैं एक पेज उसमें भर के अच्छे से, या दो पेज लग गए जैसे भी हुआ, फिर आप एक्सप्लेन करो, अगेन दो पेज आप भरो. तो एज अ स्टूडेंट मुझे क्या फायदा मिला, आंसर अच्छे से कर पा रहा हूँ मैं, मेरा टाइम खर्च ज्यादा नहीं हो रहा क्योंकि मुझे क्वेश्चन अच्छे से आता है, जल्दी अटेम्प्ट हो जाएगा, मार्क्स अच्छे से मिलेंगे, तो मैं श्योरिटी है मेरे पास अच्छे नंबर लाने की, अच्छा अटेम्प्ट करने के, बिना दिमाग को दही किए, है ना. तो आप लोग भी ये अप्रोच रखो, इंजीनियरिंग बहुत आसान है, कट जाती है आराम से. जब फोर्थ ईयर का जब आठवां सेमेस्टर आता तब याद आते हैं, अरे अभी तो आए थे अभी जा रहे हैं, राइट. चलो जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक कार, फ्यूल कार दोनों किसको कर रही हैं, ये कौन से इनहेरिटेंस दिखा रहा है अब तक, ये तीन कौन से इनहेरिटेंस दिखा रहा है. वेरी गुड. और अब लास्ट वाला क्या दिखा रहा है, हाइब्रिड. लास्ट वाले जो क्लास है हाइब्रिड क्लास, ये क्या दिखा रही है अब, मल्टीपल. बिल्कुल सही, देख लो ध्यान से इसको. यस सर. एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये क्लास कार हो गई, ये फ्यूल कार हो गई, ये इलेक्ट्रिक कार हो गई, ये हाइब्रिड कार हो गई. हो गया एग्जाम्पल आपका तैयार. एच से डिस्प्ले फोर एक्सेस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. एच मेरा डिस्प्ले थ्री को भी कर लेगा और डिस्प्ले टू को भी कर लेगा, क्या कहते हो, है ना. बिल्कुल सर जी, एच ने मेरे तीनों को एक्सेस कर लिया. और क्या चाहिए, यही तो चाहिए था. क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत. नो सर. नो सर. ओके, इसको जी टी यू का नहीं करके, ये जी ओ है, जी टी यू नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ. क्वेश्चन वहां से लिया था जी टी यू का, तो जी टी यू उठ के आ गया. चलो बनाओ, ये बना सकते हो. आज मैं क्लास यहीं पे रोक रहा हूँ, ये प्रोग्राम को बनाना है और ग्रुप में शेयर करना है. और मंडल में तुम्हें दोबारा ऐड कर देता हूँ, क्योंकि तुमने पहले कोई क्लास में अटेंड नहीं की थी इसलिए मैंने रिमूव कर दिया था. आज तुम आ रहे हो मेरी, आई थिंक कितनी क्लासे हो गई मेरी, 10 तो हो चुकी हैं, आज 11वीं क्लास है. 11वीं क्लास में तुम शिरकत की हो आज, इससे पहले नहीं आए एक बार भी. ऐड तुम पहले हो चुके थे. ठीक है, जैसा ले लिया स्क्रीनशॉट. ओके, तो इसको अब ये करके रखना है. ठीक है, तो अगर जो लोग ग्रुप में नहीं है वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है. और मुझे लेकिन इनका आउटपुट चाहिए, तो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ अभी मैं इसको. ओके ओके सर. तो कल हम कंटिन्यू करेंगे, कल मैं कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग आवर्स में लूँ. ठीक है, फर्स्ट हाफ के अंदर ही मिलूँ. 11 बजे का कल मैंने रखा है टाइम, तो मेक श्योर एवरीवन जॉइंस एट 11 AM टुमारो, कल 11 बजे. कल हम फ्रेशली इसको कंटिन्यू करेंगे, ये मॉड्यूल 5 खत्म कर देंगे, फिर मॉड्यूल 6 भी शुरू कर देंगे कल अपन. ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है ना ये, मतलब. हाँ बिल्कुल, जो भी हो आपको इसको करके रखना है, राइट. मैं यहीं पे इसको बंद कर रहा हूँ, स्लाइड नंबर 21 पे, और 40 स्लाइड है, बाकी का हम कल कवर करेंगे. ओके,
सो लेट मी गेट रिड ऑफ ऑल दिस विंडोज और मैं इनको बंद करूं, इसको भी हटा दूं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, राइट. सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग राइट नाउ.